नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मिसिंग नंबर का पार्ट वन करेंगे, जो कि रेलवे ग्रुप डी के लिए, ALP के लिए, टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ये पहला पार्ट होगा। इसके बाद मैं डेली के डेली आपको मिसिंग नंबर के पार्ट देता रहूंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और जो अभी तक पूछे गए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये शो कर रहा है, तो इसमें हम लोगों को यहां पर निकालना है कि यहां पर क्या आएगा। तो इसका जो आंसर हो रहा है 729 आ रहा है। तो कैसे हो रहा है, तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाली रो को देखेंगे। तो देखिए, एक का क्यूब किया तो एक आया, तीन का क्यूब किया तो 27 आ गया, दो का क्यूब किया तो 8 आया। इसी प्रकार नीचे वाली रो का देखेंगे, पाँच का क्यूब किया तो 125, छः का क्यूब 216, चार का क्यूब 64। इसी प्रकार जो अब नीचे वाली को देखेंगे हम लोग, तो नीचे वाले को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें निकालना है, तो यहाँ पर 7 का क्यूब किया तो 743। इसी प्रकार 2 ऐड किया हो गया 9 का क्यूब किया तो 729। तो आंसर आ रहा हमारा 729। यहाँ पर क्या किया था, 8 का क्यूब, तो ये आया 512। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको दिखा रहा है 8, 10, 17 फिर 11। यहाँ पे हम लोगों को निकालना है कि क्या आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले रो को देखेंगे क्या करना है। तो ऊपर वाले रो में हम लोग तीनों को जोड़ लेंगे, 8 + 10 + 17 कितना आएगा, 35। इसी प्रकार हम लोग नीचे वाले को जोड़ लेंगे, 16 + 11 + 8 कितना आया, टोटल आएगा हमारा 35। ओके, इसी प्रकार हम लोग बीच वाले को जोड़ेंगे, कितना मतलब 35 लाना पड़ेगा, उसमें कितना जोड़ें। तो पहले 11 और 10 को जोड़ेंगे, 11 और 10 21, और 21 में कितना जोड़ें कि 35 हो जाए, तो लगभग 14 जोड़ना पड़ेगा तो 35 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी 14। इसी प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन है, तो हम लोगों को यहाँ पर निकालना कि क्या आएगा। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो पहले स्तंभ में देखेंगे, पहले कॉलम में। तो इसमें हम लोगों ने 4 का क्यूब किया प्लस 6 का सॉरी 4 का स्क्वायर किया प्लस 6 का स्क्वायर किया, और बटे में 6 के स्क्वायर में हम लोगों ने 2 को डिवाइड कर दिया। तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। देखिए 4 का स्क्वायर हुआ 16 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, बटे में 2 कर दिया तो ये कितना हो गया, 18। तो 16 + 18 कितना हो जाएगा, 34। ये देखिए आ गया 34। इसी प्रकार दूसरे हम लोग कॉलम में चलेंगे, 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर किया, ओके 9 का स्क्वायर किया प्लस 8 का स्क्वायर किया और बटे में 2 डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 81 + 64/2। तो ये डिवाइड कर देंगे तो कितना हो, 81 + 32 तो आएगा 113। इसी प्रकार तीसरे स्तंभ में आ जाएंगे हम लोग, तीसरे स्तंभ में क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर किया बटे में 2 कर दिया तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे में 2 तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। तो 1 + 4.5 कितना हो जाएगा, 5.5। आंसर इस उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है, तो हमें यहाँ पर निकालना कि क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग कॉलम पहले में चलते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई किया 5 में और 5 का मल्टीप्लाई किया 4 में तो कितना आ गया, 30। अब 30 का मल्टीप्लाई कितना करें कि 120 हो जाए, तो लगभग 4 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। इसी प्रकार दूसरे कॉलम में आ जाते हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई 6 × 7 × 3 मतलब 6 × 7 × 3 तो कितना आ जाएगा, 42। 42 में कितने का गुणा करें, 126 आ जाए तो 42 में हम लोग लगभग 3 का गुणा करें तो 126 आ जाएगा, तो 126 आ गया। इसी प्रकार तीसरे कॉलम में आ जाते हैं, 8 × 5 × हम लोग मान लेंगे x = 320, इन सब का गुणा करने पर 320 आ रहा है, तो x = क्या हो जाएगा, या क्वेश्चन मार्क = 320/40, ये 0 से 0, 4 से ये कटेगा तो आंसर हो जाएगा 8। अगला है हमारा क्वेश्चन छठा,
यहाँ पे हम लोगों को निकालना क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग रो में देखते हैं, पहले रो में सबसे पहले ये हम लोग करेंगे, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटा देंगे, मतलब पहले संख्या से तीसरी संख्या घटा देंगे, तीसरी संख्या से पहली संख्या घटा देंगे। तो 42 में से हम लोगों ने 38 घटाया, कितना बचा? 4। 4 का गुणा कितने में हम लोग कितना करें कि 44 हो जाए, तो 11 का गुणा कर दिया तो आंसर हो गया 44। देखिए आ गया 11 गुणा 4 44। इसी प्रकार हम लोग दूसरे कॉलम में, सॉरी दूसरे रो में आएंगे, तो 28 से हम लोगों ने 23 घटा दिया तो कितना आया? 5। 5 का गुणा 11 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 55। इसी प्रकार तीसरे रो में आएंगे, 39 से हम लोगों ने 37 घटाया, कितना आया? 2। 2 का मल्टीप्लाई 11 में किया तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।